हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है JNCSR, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जैसे आप YouTube पे मेरे चैनल का नाम डालेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स ट्रेलर, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप मैं जो है जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, चाहे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट रिलेटेड वैकेंसीज हो, उन सब के साथ साथ जो अगर आप जो है CSIR JRF की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या SMR JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या BSc MSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी मैं जो है यहाँ पे अपना जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका कंटेंट को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे कंटेंट को यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जो है ये सब चीज़ों का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इट इज डिजाइन फॉर ब्राइट बी बीटेक और मास्टर्स इन साइंस और MBBS स्टूडेंट टू कैरी आउट देयर फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क एंड JNCSR। ठीक है, तो यहाँ पे इन उन लोगों के लिए जिन्होंने जो बीटेक करे हैं या जो मास्टर्स इन साइंस में है या जो MBBS स्टूडेंट, और वो जो है अपने फाइनल ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं एंड JNCSR। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर आप MSc में अगर आपने या BA BTech में अगर आपने जो एडमिशन लिया है, तो फाइनल ईयर में आपको रिसर्च वर्क जो है वो एज अ प्रोजेक्ट आपको करना होता है। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क है जो कि आप एज अ रिसर्च कर सकते हैं, वो जो है आप वैसे तो नॉर्मली जो अदर इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी खुद ही जो है लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट करवाती हैं 6 मंथ के लिए, और कहीं कहीं 1 ईयर के लिए भी होता है। तो लेकिन ये जो है JNCSR, ये एक वन ऑफ द रेप्यूटेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप यहाँ से जो है अपना रिसर्च का इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और ये वन ऑफ द लाइक मोस्ट रेप्यूटेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इट विल बी बेटर, और ये आपके CV को में जो है आपका वेटेज को भी ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है 1 सितंबर 2020 फर्स्ट अनाउंसमेंट, 20 सितंबर डेडलाइन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन। तो देखिए, 1 सितंबर से जो ये ऑलरेडी जो है एंड लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और 20 सितंबर जो इसका डेडलाइन रहेगा एप्लीकेशन रिसीव करने का, और 5 सितंबर अक्टूबर रहेगा वो आपका रहेगा अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि आपको सेलेक्टेड यहाँ पे किया गया है कि नहीं किया गया है। अब देखिए, ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है जो गाइडलाइंस क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंटर्नशिप रहेगा वो आपको 6 मंथ से 1 ईयर के बीच रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके डिग्री की रिक्वायरमेंट में, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो है 6 मंथ का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मांगते हैं, और कहीं कहीं पे 1 ईयर का मांगते हैं। ठीक है, तो आपका डिग्री के बेस पे आपका डिसाइड करेंगे कि आपको 6 मंथ रिसर्च करना है या आपको 1 ईयर के रिसर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो लाइक प्रोग्राम है वो मेनली है फाइनल ईयर BE BTech के स्टूडेंट के लिए, मास्टर इन साइंस MSc स्टूडेंट के लिए, या इंटीग्रेटेड MSc BS या MBBS स्टूडेंट के लिए। तो ये उन लोगों के लिए जो लास्ट ईयर में है अपने डिग्री के। ठीक है, अगर हमारे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट इज अवेलेबल फॉर द एप्लीकेंट टू ब्राउज। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको जितने भी अवेलेबल प्रोजेक्ट हैं, जो भी गाइड जो है या जो भी आपके मेंटर हैं उनके जो प्रोजेक्ट है वो मेंशन कर रखे होंगे। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट विल नीड टू नोट द कोर्स ऑफ 3 प्रोजेक्ट एंड डेटा अलाइन विद इन दियर इंटरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिनिमम 3 प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसके कोड आपको लिखना है, मे बी वो कोड जो है आपको सेंड करने पड़ेंगे लेटेस्ट स्टेज में। फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट 1 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड अमॉन्ग द एप्लीकेशन करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन प्रोजेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका कि मल्टीपल जो स्टूडेंट है, मे बी वो आपके लाइक जो आपने प्रोजेक्ट को जो है आपने सेलेक्ट किया, उसे बहुत और बच्चे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट ऑफ द स्टूडेंट एंड 2 लेटर ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, आपका सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो इन्होंने आपका एकेडमिक मेरिट ऑफ स्टूडेंट, अगर आपका रिलेवेंट है प्रोजेक्ट, अगर आप जो भी आपने फील्ड जो है चूज किया है वो आपका
आपकी मेरिट से रिलेवेंट या आपके एकेडमिक से रिलेवेंट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, और यहाँ पे टू लेटर ऑफ रेफरेंस होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे टेम्पलेट दे रखा कि आपको रेफरेंस जो है किस फॉर्मेट पे देना, वो भी यहाँ पे दे रखा है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर अ प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अंडरटेकिंग, आपको अंडरटेकिंग सबमिट करेगा कि आप जो है जो भी रिसर्च करेंगे उस GNCSR में, उसे आप जो है अकेले जो है उसे पब्लिश या पेटेंट नहीं कराएंगे। आप अपनी फैकल्टी मेंबर की हेल्प से जो है उसे पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। ये सेलेक्टेड स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द मोड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जो आपकी फैकल्टी है वो डिसाइड करेगी आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज़ जो है वो चार्ज करेंगे इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप के लिए आपको 5,000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। अब देखिए जो एकोमोडेशन है वो लाइक कैंपस में नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो है कोविड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग जो आपको एकोमोडेशन कैंपस में नहीं मिलेगा। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो भी धनवंतरी मे बी अवेल्ड बाई द स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आप मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल हर इंस्टीट्यूट में हेल्थ सेंटर रहता है वहाँ से आप जो है वो फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको मेडिसिन टेस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन विल नॉट बी कवर्ड, तो ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। आपको नॉर्मली जो भी आपका चेकअप होता है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस टाइप में आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेंशन कर लिया। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट है जो भी मेंशन कर रखा, वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको बस क्लिक हेयर करना है, जैसे आप क्लिक हेयर करेंगे तो इस टाइप का जो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फैकल्टी का नाम दे रखा है, प्रोजेक्ट कोड दे रखा, तो आपको मिनिमम ये 3 प्रोजेक्ट कोड जो है जो भी आपके इंटरेस्टेड है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। 3 का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैकल्टी नेम दे रखा हो, जो प्रोजेक्ट टाइटल वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपके काम से रिलेटेड है या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, आप उन प्रोजेक्ट को चूज़ कर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको उसका कोड जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपको 2 लेटर्स रेफरेंस होगा वो भी इम्पॉर्टेंट, उसका भी टेम्पलेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये टेम्पलेट इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरी के लिए देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जो भी 2 रेफरेंस देंगे उनका पूरा आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट वो जो है आपके बारे में जो है यहाँ पे कुछ रेफरेंस में देंगे। तो ये एक टेम्पलेट है टाइप का, और आप अपने जो भी आपका जिससे भी आप रिकमेंड ले रहे हैं, रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो आप जो है ये फॉर्म जो उन्हें दे सकते हैं ताकि वो इस फॉर्म को फिलअप करके जो है GNCSR में सेंड कर दे, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस लेटर होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो ये आपके जो गाइड या जो भी आपके रेफरी है वो ही इसे जो है फिल करके देगा, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट हो गया है। इसके अलावा हमने मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द GRIP एप्लीकेशन फॉर 2021-2022, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे प्लीज रीड द प्रोग्राम डिटेल, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्कोप, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा आपको मिल जाएगा, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी करने अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जैसे पासपोर्ट फोटो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट ऐसे करके पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ मैंसन कर रखे हैं, और 2 रेफरी रिपोर्ट ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्लियरली मैंसन कर रखी है। और आपको यहाँ फी पेमेंट जरूर करना है, तो फी पेमेंट आप करिएगा। और यहाँ पे देखिए 5,000 तो आपका इंटर्नशिप रुपये हो जाएगा फ़ी का, और ये जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ है, तो ये कि नॉन रिफंडेबल था आपका, तो इतिका ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर ये सारा जो है आपको फिल करना है, और जो भी आप 500 रुपीज़ पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आप उसको वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, चाहे आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करें चाहे ना करें, ठीक है, चाहे आपका सेलेक्शन हो चाहे ना हो। फिर आपको आई हैव रेड करना है, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर GRIP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे इस पर सपोज हम क्लिक कर देते हैं तो आपका जो है इस टाइप का इंटरफेस देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल एड, और यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल आएगा, तो आपको ये सब पूरा जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पे 17 स्टेप है, तो आराम से आप धीरे धीरे 17 स्टेप को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं वन ऑफ द रेपटेड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।